मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज हम पेपर फर्स्ट की यूनिट फोर्थ के टॉपिक पेरेंटल केयर इन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पैतृक संरक्षण यानी पेरेंटल केयर मछलियों में पाया जाता है। मछलियों द्वारा अपने अंडे और शिशुओं को बहुत कम पैतृक संरक्षण प्रदान किया जाता है। ज़्यादातर मछलियाँ अपने अंडों को निषेचित करने को सुनिश्चित करके संतुष्ट रहती हैं। पेरेंटल केयर की कमी को मछलियाँ बहुत अधिक संख्या में अंडे एवं शुक्राणु उत्पन्न करके पूरा करती हैं। कुछ मछलियाँ अपवाद के रूप में अपने अंडे तथा शिशुओं की बहुत सावधानी से देखभाल करती हैं, यानी कि इनके अंदर पेरेंटल केयर मौजूद रहता है। मछलियाँ पैतृक संरक्षण के अंतर्गत नर एवं मादा द्वारा पश्च अंड जनन यानी कि पोस्ट स्पॉनिंग के बाद देखभाल करती हैं, और जो पेरेंटल केयर है इसे यदि हम डिस्क्राइब करना चाहें तो इट इज़ एनी बिहेवियर दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय पेरेंट्स यानी कि by the male and female that appears to improve the survival of young ones, यानी जो chances of survival हैं young ones के उसको improve करना, ये parental care के अंतर्गत आता है। और simple words में यदि हम कहें कि looking after eggs or young ones until they are independent to defend them from enemies and predators, यानी कि किसी भी शिकारी से अपने अंडों को बचाकर रखना, ये एक तरीके का पेरेंटल केयर है। सो दिस फिनोमिनन इज़ डेवलप्ड, वेरी वेल डेवलप्ड इन सेवरल ग्रुप्स ऑफ फिशेस, और ये एक्चुअली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस या परपेचुएशन ऑफ रेस। द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल इन पेरेंटल केयर वॉज स्टडीड इन 5 स्पीशीज ऑफ क्लाउन फिशेस इन कैप्टिव कंडीशंस। ये जो है TT अजीत कुमार ने 2012 में अपने पेपर में मेंशन किया था इसके बारे में। तो यदि हम मछलियों के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो पेरेंटल बिहेवियर है वो कई इंटरेस्टिंग तरीके से जो है आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अपने जो एग्स हैं और यंग वंस हैं उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर जो है फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस हैच आउट होते हैं, जबकि ऑस्टिक्थिस जो है या बोनी फिशेस जो हैं उसके अंदर जो है लार्वा दे कम आउट ऑफ द एग्स एंड देन दे मेटामॉर्फोस इनटू यंग एडल्ट्स। इन मोस्ट केसेस दीज लार्वा आर क्वाइट न्यूमरस एंड सो चांसेस ऑफ टाइंडिंग ओवर एडवर्स कंडीशंस वुड फेवर एटलीस्ट अ फ्यू, यानी कि जो लार्वा हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक नंबर्स में होते हैं, और इसकी वजह से कोई भी एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर वो उनको जो है ओवरकम करके और अपना आगे का जीवन व्यापन कर सकते हैं। इन गार्डिंग द एग्स एंड नर्सिंग द यंग वंस द पेरेंट्स एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स, और इसके अंदर किस तरीके से पेरेंटल केयर होता है वो आप देख सकते हैं। यानी कि पैतृक संरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है उसमें अनेक विधियां शामिल हैं, जैसे कि कैरिंग द एग्स ऑन द बॉडी, कीपिंग द एग्स इन ब्रूड चेम्बर्स, नेस्ट एंड नर्सरी बिल्डिंग, कॉइलिंग राउंड द एग्स, कीपिंग द एग्स इन सेफ शेल्टर्स, कीपिंग द एग्स इन एग कैप्सूल्स, ओविपोजिशन एंड ओवोविविपैरिटी। तो इन सब के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे, और उससे पहले जो है नेस्ट और नेस्ट बिल्डिंग यानी कि किस प्रकार से ये घोंसला बनाते हैं उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही कॉमन मेथड है ये नेस्ट बिल्डिंग, घोंसला बनाना, जिसमें कि जो है अपने यंग वंस को सुरक्षित रखने के लिए ये इस अलग अलग प्रकार के नेस्ट या घोंसले बनाती हैं फिशेस।
और ये जो घोंसला बनाने की प्रक्रिया है ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन फिशेस दोनों के दोनों एग्जिबिट करती हैं। और नेस्ट बिल्डिंग में जो है मेल्स या फीमेल्स या दोनों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है नेस्ट बिल्डिंग का वो जो है सैल्मन्स, डार्टर्स, सनफिशेस, चिथलिड्स एट्सेट्रा के द्वारा एग्जिबिट होता है। सैल्मन्स जो है ज़्यादातर जो नीचे पथरीली जो शैलो वाटर्स में यानी कि कम गहरे पानी में जहाँ की थोड़े बहुत मिट्टी और पत्थर पाए जाते हैं रनिंग स्ट्रीम्स में, उस जगह को जो है अपने स्पॉनिंग ग्राउंड की तरह यूज़ करती हैं। और ये जो है पूरी की पूरी कई सारी मछलियाँ एक साथ इकट्ठा होकर और फिर स्पॉन करती हैं। और जो फीमेल्स हैं वो एक पिट यानी कि एक गड्ढे के अंदर अपने एग्स ले करती हैं, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद उन एग्स को किसी भी जो है पत्थर से या किसी चीज़ से ढक देती हैं। इसी तरीके से यही मेथड जो है ऑस्ट्रेलियन फ्रेश वाटर एरियस फिश द्वारा भी अपनाया जाता है। डार्टर्स, सनफिशेस, सिचलिट्स, मेल्स के अंदर भी जो शैलो बेसिन लाइक डिप्रेशंस हैं किसी भी जल के थल के ऊपर उसके अंदर जो है एक पिट बना के और उसमें अपने अंडे दिए जाते हैं और उनको उनका संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कई सारी ये सैल्मन्स हैं और ये हज़ारों की तादाद में माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर में सी वाटर से जस्ट फॉर स्पॉनिंग। तो सैल्मन्स आप रेड कलर की देख सकते हैं इस चित्र में, और नेक्स्ट जो चित्र है उसके अंदर सैल्मन एग्स हैं। इसी तरीके से नीचे जो है मेल सनफिश है वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो गार्ड करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेरेंटल केयर की प्रक्रिया होती है कि ऑक्सीजनेटिंग द एग्स द फर्टिलाइज्ड एग्स, फिर उसके बाद क्लीनिंग होती है जो मेल्स हैं वो अपने जो है यंग वंस को क्लीन करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं, एंड प्रीडेटर्स से किस तरीके से जो है अपने एग्स को गार्ड करती हैं, एंड दे ऑल्सो अटैक प्रीडेटर्स यानी जो शिकार करने आती हैं मछलियाँ उनको भी किस तरीके से दूर भगाती हैं। फिर नेस्ट बिल्डिंग होती है, फोम आसपास नेस्ट के जो है पाया जाता है, इनक्यूबेटिंग इन माउथ जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं या डेवलपिंग फ्राइज और फिंगरलिंग्स हैं उनको जो है प्रीडेटर से बचाने के लिए किस प्रकार से मुंह में रखा जाता है, एंड ऑल्सो जो एग्स हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पे किस तरीके से ले किया जाता है इसके भी एग्जांपल्स आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेस्ट बिल्डिंग यानी घोंसला बनाना, किस प्रकार से घोंसले बनाती हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज मेल स्टिकलबैक गैस्टरोस्टियस ऑक्युलेटिस। ये जो है एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन लेक्स और पॉन्ड्स में पाई जाती है, और जो मेल है वो बहुत ही अपना जो है रंग बदलता है और नेस्ट बिल्डिंग में एक अहम भूमिका निभाता है। और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कि एक नेस्ट बनाता है और जो फीमेल है उसको वो जब नेस्ट पूरी तरीके से बन जाता है तो फीमेल अपने एग्स उस नेस्ट में ले करती है और वो भी जो है उसी एग स्पॉन के ऊपर अपने स्पर्म्स ले करता है। नेक्स्ट जो है वो है एमिया का डायग्राम जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि बोफिन भी कहा जाता है इसे। ये एक सर्कुलर नेस्ट बनाती है और इसके अंदर जो है अपने फर्टिलाइज्ड एग्स रखते हैं। तो द बोफिन एमिया काल्वा ये भी जो है नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर पाई जाती है। इट बिल्ड्स अ क्रूड सर्कुलर नेस्ट अमंग एक्वेटिक प्लांट्स और जो मेल है वो गार्ड करता है एग्स को जब तक कि वो हैच नहीं होते यानी यंग फिश उसमें से नहीं निकलती, और कुछ समय तक जो है
हैच होने के बाद भी जो फॉराइज और फिंगरलिंग्स हैं उनका जो है ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से जो अफ्रीकन लंग फिश है प्रोटोप्टेरस, ये भी जो है ओवल पिट्स या होल्स जो है डिग करती है एट द बेस ऑफ टॉल स्वैम्प ग्रासेस, और अराउंड 5,000 एग्स जो है ले करती है सिंगल फीमेल इस होल के अंदर या नेस्ट के अंदर, और बाय सेवरल फीमेल्स, सॉरी नॉट अ सिंगल फीमेल, बाय सेवरल फीमेल्स। और जो मेल है वो जो है बड़े तत्परता से इन एग्स को जो है गार्ड करता है, और लगभग इसी तरीके से जो अमेरिकन लंग फिश है लेपिडोसायरन, वो भी जो है अपने जो टनल लाइक बरो है जिसमें ये सारे एग्स जो है अपने सेफ रखता है, उसके अंदर ये सुनिश्चित करता है कि जो है दी एग्स आर प्रॉपरली एरिएटेड, और वो जो है फैनिंग मूवमेंट पेल्विक फिन्स के द्वारा संभव हो पाता है। तो आप नेक्स्ट चित्र में देख सकते हैं पॉलिप्टेरस, और उसी तरीके से ये जो फोमी नेस्ट है ये जो है आप देख सकते हैं कि बेटा या मैक्रोपोडस स्पीशीज़ की जो फिशेस हैं उसके अंदर एग्स जो है दे आर कलेक्टेड इन द माउथ ऑफ द मेल्स एंड दे आर थ्रोन अप टू एडियर टू फ्लोटिंग नेस्ट्स ऑफ म्यूकस एंड एयर बबल्स। ये इस चित्र में आप नेक्स्ट चित्र में पॉलिप्टेरस के बगल वाले चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लोटिंग एग्स रहते हैं ऊपर की तरफ। अब इसके बाद आता है कॉइलिंग राउंड एग्स, तो इसके अंदर जो है फॉलिस नाम की जो बटरफिश है वो जो है अपने इसमें ज़्यादातर मेल्स जो हैं जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उसके आसपास अपने आप को कॉइल कर लेते हैं, एंड इट दे रोल इनटू अ बॉल और स्फीयर तब तक जब तक कि ये एग्स हैच नहीं करते। नेक्स्ट है अटैचमेंट टू बॉडी, द मेल ऑफ न्यू गिनी फिश कर्टिस एंटैंगल्स द एग मास ऑन अ हुक लाइक प्रोसेस ऑन हेड अनटिल दे आर हैच्ड। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि किस प्रकार से जो नर है वो एग्स को अपने हुक लाइक प्रोसेस एक जो डॉर्सल फिन स्पाइन के नीचे की तरफ है उसके अंदर जो है उस डिप्रेशन में सबके सब एग्स वहीं पे ही मौजूद रहते हैं जब तक कि वो हैच नहीं करते, सो इट कैरीज देम ऑन दी फोरहेड। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री कप्स, ये ज़्यादातर सिल्यूरॉइड्स के अंदर देखने को मिलते हैं जैसे कि एस्प्रेटो और प्लैटीस्टैकस। इन फिशेस के अंदर जो है वेंट्रल साइड की तरफ जो स्किन है वो बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है और उसमें डिप्रेशंस जैसे हो जाते हैं जिसमें कि जो है फर्टिलाइज्ड एग्स उसमें एक तरीके से प्रेस्ड रहते हैं, और जो हर एक एग है ईच एग बिकम्स अटैच्ड बाय अ स्टॉक इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड कैरीड अनटिल हैचिंग। जब तक कि हैच नहीं होते तब तक जो है ये एग्स उस पिट लाइक डिप्रेशन के अंदर दी फिश कैरीज देम अलोंग विद इट। नेक्स्ट है वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप देख सकते हैं फिगर के अंदर भी कि शेल्टर इन माउथ, किस प्रकार से ये माउथ ब्रूडिंग फिशेस अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को अपने मुंह के अंदर जो है रखती हैं जैसे ही इनको आसपास कोई भी डेंजर नज़र आता है। इसमें जो है ज़्यादातर कैटफिश एरियस और जो चिचलिड है टिलापिया ये आती हैं, जो कि इसके जो है जो यंग वंस हैं आप देख सकते हैं कि ये यंग वंस जो है इतना बड़ा जो उसका माउथ है उसके अंदर ये सब के सब दे टेक रिफ्यूज इनटू द बकल कैविटी ऑफ द पेरेंट। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फीचर दैट वी कम अक्रॉस ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेस। नेक्स्ट है ब्रूड पाउचेस, तो ब्रूड पाउचेस बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा होगा कई नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स के ऊपर भी इसे दिखाया जाता है, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा जिसे कि कहते हैं उसके अंदर, और पाइप फिश सिंकनाथस,
इसके जो फीमेल्स हैं, इन स्पीशीज़ की जो फीमेल्स हैं, दे ट्रांसफ़र देयर एग्स इनटू द ब्रूड पाउच ऑफ मेल्स. सो द मेल्स बेसिकली टेक केयर ऑफ द डेवलपिंग एग्स अंटिल दे आर हैच्ड. दे कीप देम सेफ इन द ब्रूड पाउच. तो दोनों चित्र आप देख सकते हैं, ए है सी हॉर्स का और बी है पाइप फिश का. एक और जो फिनोमिनन हम पढ़ते हैं वो है ओवोविविपैरी. इट इज़ एन इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन ओवीपैरिस एंड वीविपैरिस एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन नर्स शार्क जिंजली मोस्टोमा. ये जो है ओवोविविपैरिस स्पीशीज है और यहाँ पे जो एग्स हैं दे आर कवर्ड बाय अ हॉर्नी केस एंड द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. और जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो द फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस हैच आउट बाय ब्रेकिंग द शेल इनसाइड द यूट्रस इटसेल्फ. तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. फिर है मरमेड स्पर्सेस. ये जो है ओवीपैरिस शार्क्स के अंदर जैसे साइलियम में पाया जाता है और इसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो है एक प्रोटेक्टिव हॉर्नी एग कैप्सूल या इसे मरमेड्स पर्स भी कहते हैं, इसके अंदर जो है रहकर और पूरा डेवलपमेंट होता है. द एग्स आर द फर्टिलाइज्ड एग्स दे डेवलप विद इन एग कैप्सूल्स. तो और ये जो एग कैप्सूल्स हैं ये दे रिमेन एंकर्ड या दे रिमेन अटैच टू सीवीड्स बाय देयर लॉन्ग टेंड्रिल्स. ऐसे आप देख सकते हैं इस नीचे चित्र में है टेंड्रिल्स लेबल्ड हैं. तो ये टेंड्रिल्स जो है किसी भी सीवीड समुद्र में जो नीचे की तरफ जो घास उगती है उसके अंदर जो है उन पत्तों से अटैच हो जाते हैं और वो बाहर रह के और इस केस में रह के और अपना पूरा डेवलपमेंट अपना डेवलपमेंट पूरा करके और फिर हैच आउट होते हैं एज यंग इंडिविजुअल्स. सो दिस इज़ द एग्जांपल फॉर मरमेड्स पर्सेस. नेक्स्ट है वीविपैरिटी. कुछ स्पीशीज़ हैं फिशेस की जो कि वीविपैरिस होती हैं जैसे कि डॉग फिश, स्कॉलिडॉन, सर्फ फिश, साइमेटोगैस्टर एग्रीगेटस. ये जो है इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट है वो दोनों ही इंटरनल होता है. बॉडी कैविटी के अंदर जो है जो एम्ब्रियोज हैं वो डेवलप होते हैं. दे आर नरिश्ड मोस्टली बाय योक सैक प्लेसेंटा और द यंग आर बॉर्न विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट. तो वीविपैरिटी जो है वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन डेवलपिंग यंग वंस को प्रोवाइड करती है और देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर. आप ये एग्जांपल आप इस चित्र में देख सकते हैं. तो अभी तक जो है अपन ने जो पढ़ा वो ये था कि किस प्रकार से सबसे पहला जो ए वाला चित्र है वो मेल स्टिकलबैक का है और हाउ इट मजल्स द फीमेल एट द बेस ऑफ द टेल टू स्टिमुलेट हर टू ले एग्स इन द नेस्ट which it has prepared by acute precision. Next, उसके बाद है male bowfin का जो कि जो है males अपने guard करते हैं circular nest को. फिर उसके बाद है sea जिसके अंदर की जो है male Australian curtis किस प्रकार से incubate करता है eggs को on its forehead. फिर उसके बाद है D जहाँ की tilapia माउथ के अंदर जो है दे टेक यंग वंस दे टेक रिफ्यूज इन दी माउथ या बकल कैविटी ऑफ फीमेल पेरेंट्स इन टाइम्स ऑफ डेंजर. इसके बाद है हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़ा जिसके अंदर की मेल्स में जो है ई और एफ, ई तो सी हॉर्स है और एफ जो है सिंगनाथस है या पाइप फिश. इसके अंदर दोनों में ही नर के अंदर ब्रूड पाउच पाया जाता है जिसमें कि जो है एग फर्टिलाइज्ड एग अपना डेवलपमेंट पूरा करते हैं. एच जो है वो वीविपैरिटी का एग्जांपल है
जिसके अंदर की फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस ही दे आर लेड बाय द फिश। और जी जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से मरमेड्स पर्स में जो है जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अपना डेवलपमेंट पूरा करता है। तो जो फिश स्पीशीज़ है जो कि नेस्ट बिल्ड नहीं करती हैं उनके भी आपको एग्जांपल्स मैं बताना चाहूँगी कि डिपोजिशन ऑफ एग्स एट सूटेबल प्लेसेस। हर स्पीशीज़ अपने अंडों की जो है रक्षा करना चाहती है, ये बात अलग है कि ये नेस्ट बिल्ड नहीं करती हैं। तो दे डिपॉजिट एग्स इन मासेस ऑफ डेफिनेट फॉर्म्स, एग्जांपल इस येलो पर्च, और कुछ जो है डिपॉजिट करती हैं अपने एग्स को इन क्रिवाइसेस ऑफ रॉक्स, यानी कि दो चट्टानों के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पर जो है वो अपने एग्स डिपॉजिट करती हैं, एग्जांपल है साइक्लोप्टेरस। कुछ ऐसी होती हैं फिशेस जो कि जो है अपने एग्स को डेड शेल्स ऑफ मोलस्क्स में डिपॉजिट करती हैं, जैसे कि आप नीचे चित्र में भी देख सकते हैं कि फीमेल बिटरलिंग ये जो है अपने एग्स एक ओविपोजिटर द्वारा फ्रेश वाटर मसल के अंदर जो कि एक मोलस्क है उसमें जो है उसके शेल में डिपॉजिट कर रही है। तो इसके एग्जांपल्स हैं डिपॉजिशन ऑफ एग्स इन डेड शेल्स ऑफ मोलस्क के गोबीज, बुलहेड फिश एंड रोडियस। तो यदि हम देखें कि क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं पेरेंटल केयर इन फिशेस में, तो हम देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ पेरेंटल केयर के अंतर्गत आता है कि इट इम्प्रूव्स सर्वाइवल ऑफ यंग वंस एंड इट आल्सो इम्प्रूव्स डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस, मतलब सर्वाइवल और डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस के लिए ये इट हैज़ दी मेरिट्स ऑफ बोथ ऑफ देम। डी मेरिट्स के अंदर आता है कि डिक्रीज्ड पेरेंटल सर्वाइवल, अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करते करते कई बार जो है ये बहुत जल्दी मर जाते हैं जो एडल्ट्स होते हैं। उसी तरीके से जो नेक्स्ट ब्रीडिंग अटेम्प्ट है उसमें भी जो है डिले होता है और एज वेल एज फेकेंडिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट पेरेंटल केयर इज़ एन इनबॉर्न इंस्टिंक्टिव बिहेवियर शोन बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस। और नंबर ऑफ फिशेस प्रोवाइड पेरेंटल केयर टू देयर एग्स एंड यंग वंस, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल अगेंस्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलती है पानी में उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पेरेंटल केयर द्वारा। जो दूसरी चीज़ है कि मैनी फिश स्पीशीज दे डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स, लेकिन कोई नेस्ट बना के या उनके जो है हैच होने के तक या होने के बाद भी उनको कोई किसी प्रकार का पैतृक संरक्षण प्रदान नहीं करते, परंतु वो जो है अपने एग्स को एक सेफ प्लेस में ले करते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में, ताकि जो है उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाए, कि नंबर ऑफ हैचेस जो है बढ़ जाए। और इसके अलावा ये है कि देर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ पेरेंटल केयर दैट इज़ फाउंड इन फिशेस। कई प्रकार की जो है विधियां हैं जिससे कि पेरेंटल केयर प्रदर्शित होता है फिशेस के अंदर, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ बेसिन शेप्ड सिंपल नेस्ट से लेके वीवीपैरिटी तक। आपने देखा कि किस प्रकार से जो है कई विविध तरीके हैं जिनसे कि जो है पैतृक संरक्षण मछलियां प्रोवाइड करती हैं अपने फर्टिलाइज्ड एग्स और डेवलपिंग यंग वंस को। सो गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन, थैंक यू।